यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। नोएडा पुलिस ने एल्विश से पूछताछ की है। सेक्टर 20 थाने में एल्विश से पूछताछ हुई और पुलिस ने जहर को भी जांच के लिए भेजा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से पूछताछ की है। नोएडा सेक्टर 20 में एल्विश यादव से पूछताछ हुई है। सांपों के जहर की पार्टी को लेकर के, रेप पार्टी को लेकर के इनसे पूछताछ हुई है। एल्विश से घंटों सवाल जवाब प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और खुद को बेकसूर बताया। जो पूछताछ एल्विश यादव से हुई उसमें एल्विश यादव ने खुद को बेकसूर बताया। क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं प्रशासन की तरफ से वो भी आपको बताते हैं। एल्विश से नोएडा पुलिस के जो 10 सवाल हैं वो भी आपके सामने रखते हैं एक एक करके। 10 सवाल कौन से एल्विश यादव से पूछे गए हैं वो आपको बता रहे हैं। सांप कहां से आते हैं, पार्टियों में कौन इन्हें लेकर के आता है, सबसे पहला सवाल जो 10 है उसमें से पहला सवाल नोएडा पुलिस की तरफ से ये पूछा गया। दूसरा ये कि राहुल से कैसे मिले, कब से जानते हो राहुल को, और साथ ही ये भी पूछा गया एल्विश से कि आरोपों के बारे में एल्विश का क्या कहना है, विदेशी लड़कियों को पार्टी में कौन लेकर आता है, एक ये भी बड़ा सवाल क्योंकि इस तरह का आरोप भी एल्विश यादव पर लगा। साथ ही ये भी पूछा गया एल्विश से कि विदेशी लड़कियों को पार्टी में लाने वाले को क्या एल्विश जानते हैं, और गिरफ्तार 5 लोगों में कितने लोगों को जानते हो, ये सवाल पूछा गया एल्विश यादव से। ये भी पूछा गया कि क्या आरोपियों से तुम्हारी मुलाकात हुई है, तो गिरफ्तार 5 लोगों में कितने लोगों को जानते हो, एक अहम सवाल। इसके अलावा क्या आरोपियों से तुम्हारी मुलाकात हुई, ये सवाल भी एल्विश से पूछा गया। इसके अलावा आपको बता दें कि एनजीओ के लोगों ने फोन पर संपर्क किया था, 8वां सवाल ये था, क्या तुमने उन्हें राहुल का भी नंबर दिया था, जो वीडियो अब जो ऑडियो सामने आया था उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। 10वां ये सांप के साथ जो वीडियो है वो सांप कहां से आया, ये सवाल भी पूछे गए एल्विश यादव से। पूछताछ की गई है और अब तक हमारे द्वारा इस विवेचना में जो जो साक्ष्य संकलित किए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर किया गया था, उसके आधार पर क्वेश्चन तैयार किया गया था जिसके आधार पर ये प्रारंभिक पूछताछ जो है एल्विश यादव से की गई है। और इसमें हमें आवश्यकता पड़ती है तो और भी इसमें पूछताछ के लिए उसको बुलाया जाएगा। और आज जो हमारे 5 अभियुक्त है इनका पुलिस कस्टडी रिमांड भी कोर्ट को प्रे किया गया है, जिसके आधार पर उनका पुलिस कस्टडी रिमांड में जो पूछताछ में चीज़ें आएंगी, अन्य जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन को भी क्रॉस वेरीफाई करके आगे फर्दर हमने। Zee News.